एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। टुडे लर्न अबाउट मैथ टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है। देखो, जब डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है तो उनमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। एक दो स्टेप होते हैं इसके, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। ठीक है, जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें हमें करनी होती है इनकी सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे कि कोई भी नंबर दे रखा है, हम भूल जाएंगे कि इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट है, तो हमें उस डेसिमल पॉइंट को भूलना है। पहले हम क्या करेंगे, उनकी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर की। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट है दोनों में, जो दो नंबर दे रखे डेसिमल के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनको काउंट करेंगे और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर हम उस डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे कि वो दो डिजिट के बाद आएगा या वो तीन डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट है 2.65, एक डेसिमल नंबर ये है और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 से। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था कि पहले हमें इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। हम भूल जाएंगे कि इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट है, तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 जा कितने होते 20, कैरी का क्या हो गया 2, 4 6 जा कितने हो गए 24, 24 और 2 कितने बन गए 26 और 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 ये 10। देखो, इसकी मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लाई आई है इसकी 10 60। ओके, अब देखो इसमें सेकेंड स्टेप में क्या करना था कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट गिनेंगे हम कितनी है। देखो, इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट है फर्स्ट वाले में, 1 2, एक 6 है एक 5 है। ओके, और जो सेकेंड नंबर था उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम क्या देखेंगे इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है, तो हमें दो डिजिट के बाद क्या लगाना है डेसिमल पॉइंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 10.60। देखो, डेसिमल के बाद डिजिट ऐसे नहीं बोले जाते कि 60, क्या बोलेंगे 60। तो इसका आंसर क्या आया, 10.60। एक इसका दूसरा तरीका भी, उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। क्या कौन सा है वो दूसरा तरीका, जैसे फर्स्ट डिजिट दी है 2 6 5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 4 से। देखो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, 2 6 5 divide 100। क्यों, क्योंकि देखो 100 में कितनी है, 2 जीरो है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.65। ओके, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 से। देखो, जब 2.65 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वो कितनी होती है, 1060, और डिवाइड बाय क्या है, 100। अब देखो, इस जो ये नंबर आ गया हमारे 1060 डिवाइड बाय 100, इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते वो मैंने सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख लेना। ओके, अब देखो 1060 है, इसके बाय में क्या है 100, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10.60। ओके, तो इस नंबर की क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म से हमें क्या कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर। ओके, अब देखो सेकंड एग्जांपल है, इससे सीखेंगे। सेकंड में क्या दे रखा है, 1440.2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.2 से हम भूल जाएंगे कि इसमें कोई भी डेसिमल नंबर है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसकी क्या आएगा, 140 की 2 2 जा 4, 200 24, मतलब ये जो फर्स्ट ये नंबर उठाएंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऊपर वालों के साथ। ठीक है, 200 24 जा 8, 21 जा 2, फिर क्या लगाएंगे यहाँ क्रॉस का साइन। ओके, अब इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 की मल्टीप्लाई की जाती है किसी भी डिजिट के साथ तो वो सेम रहता है, तो 1 की 2 से की 2, 1 की 0 से 0, 1 की 4 से 4 मल्टीप्लाई, और 1 की 1 से 1, और लास्ट में क्या करना होता है, इनका एडिशन, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उनका एडिशन करना होता है। तो 4 का 4, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 8 में 0 करेंगे 8, और 4 और 2 6 और 1। देखो, ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें काउंट करनी है दोनों डेसिमल नंबर में कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट है। देखो, जो फर्स्ट वाला डेसिमल नंबर था 140.2, इसमें है एक डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और जो सेकेंड डेसिमल नंबर था उसमें भी एक डिजिट है। तो अब दोनों का क्या करना है, टोटल करो, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगी आफ्टर डेसिमल पॉइंट, एक फर्स्ट वाली डेसिमल में है और एक सेकेंड वाले में, 2 हो गए हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आफ्टर 2 डिजिट क्या प्लेस करना है हमें डेसिमल पॉइंट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा,
168.24, ठीक है। इसको भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 140.2 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.2 से, तो अब हम इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है, एक है, तो 1 के साथ एक जीरो आएगी, मतलब इसके डिवाइड में 100 आएगा। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1.2, 1.2 को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, 10, ठीक है। कि 1 के साथ उतनी जीरो लगानी होती है हमें कि जितनी आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होती हैं। अब क्या करना है, सिंपली ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे नीचे वालों की। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की 1402 की मल्टीप्लाई की है किससे, 1 2 से, तो वो क्या आएगा, 16824, ठीक है। और नीचे नीचे की 10 की 10 से मल्टीप्लाई की तो क्या ही 100। अब हमें जो हमारा ये फ्रैक्शन बनी है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। देखो अब इस जो ऊपर वाला नंबर है 16824, इसके डिवाइड में क्या है, 100। अब हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ प्लेस करना है, देखो दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद, ठीक है, तो कैसे प्लेस करेंगे, 168.24, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी दो डेसिमल नंबर की, ओके। ऐसे ही देखो थर्ड एग्जाम्पल, अब इसमें स्टार्टिंग में जीरो है तो इनकी मल्टीप्लाई कर, कौन कौन सी दो डेसिमल नंबर है, 0.34, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 24 से। सिंपली पहले हम इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ओके। तो करो मल्टीप्लाई, 4 की 4 के साथ कितनी होगी, 4 जा 16, 1 कैरी का, 4 3 जा 12 और 1 13, यहाँ जीरो के साथ तो 1 का 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 1 क्रॉस में, तो अब यहाँ करो 2 की 4, ऐसे इस 2 की अब ऊपर वाली सभी डिजिट के साथ, 2 की 4 के साथ 8, 2 3 जा 6 और 0 का 0। फिर लास्ट में क्या करना है, इनका एडिशन 6 का 6, ठीक है, लास्ट में करना है इनका एडिशन 6, 8 और 3 कितने हो गए 11, 6 और एक 7 और एक कैरी का क्या हो गया 8। अब देखो ये है, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखनी हमें दोनों डेसिमल नंबर में कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी है। देखो जो फर्स्ट वाली थी इसमें इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, 3 और 4, ओके। और जो सेकंड डेसिमल थी इसमें क्या है, 2.4 में एक डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो 2 तो फर्स्ट वाले डेसिमल में है, 1 सेकंड में है, 2 और 1 कितने हो गए, मतलब 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो आफ्टर 3 डिजिट क्या प्लेस करेंगे हम, डेसिमल नंबर, सॉरी पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 जो रिजल्ट आया था, 3 यहां तक हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 0. इसका आंसर क्या आएगा, 0.186। ऐसे ही हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्या है, 0.34 इसकी मल्टीप्लाई है 2.4 से। करो इसको सिंपली फॉर्म में, हम क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 1 के साथ 2 जीरो आएगी इसके डिवाइड में, ठीक है। ऐसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 24 डिवाइड बाई क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही करना, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई। जब क्या है 34 की और क्या है 24 की मल्टीप्लाई करते तो हम आता है इतना 816, ठीक है। और नीचे क्या है 100 की और 10 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1000। अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है 1000 में, तो हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है 3 डिजिट के बाद। अब देखो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसके आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई भी इस नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब हमने क्या किया कि 1 2 3 0, तो हमें पता है कि आफ्टर 3 डिजिट पे हमें प्लेस करना है क्या, डेसिमल पॉइंट, तो वो हमने प्लेस कर दिया। अब जैसे कि ये ऐसे हो गया क्योंकि रिजल्ट तो इसका ये था 816, तो हम पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी पूरी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों से ही हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं किसका, जब मल्टीप्लाई की जाती है डेसिमल नंबर की, ओके। तो इनमें से चाहे हम कौन सा भी तरीका अपनाए, दोनों तरीकों से हमारा रिजल्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, 93.216 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3.2 से, तो करो 93.216 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.2 से। तो पहले क्या लिखे, पहला स्टेप क्या था कि हमें इसकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन करनी है जैसे हम सिंपल नंबर की करते हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या करना है, हमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट दोनों डेसिमल नंबर में काउंट करने की कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी उतने डिजिट के बाद हमें क्या प्लेस करना है, डेसिमल पॉइंट, ओके।
अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12 वन कैरी, 2 1 2 और एक कैरी का कितना हो गया 3, 2 2 4, 2 3 6, 2 9 18। अब देखो सेकंड में तो ही 2 के नीचे क्या लगाएंगे, क्रॉस, 3 6 कितने होते हैं 18, वन कैरी, ठीक है, 3 1 3 और वन कैरी का कितना हो गया 4, 3 2 6, 3 3 9 और 3 9 27। अब क्या करना है इसका एडिशन, ओके, 2 8 और 3 11, 4 4 8 वन कैरी का 9, 6 6 कितने हो गए 12, 9 8 और एक कैरी का कितने हो गए 18, वन कैरी 1 + 1 + 7 कितने हो गए 9 और 2 का 2। अब देखो सेकंड फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट दोनों डेसिमल नंबर में कितने डिजिट है। देखो फर्स्ट वाला जो डेसिमल नंबर था इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट है 3, 1 2 3, 2 1 6 3 है, और सेकंड में कितना है आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है, तो टोटल कितनी होगी 3 इसकी और 1 इसकी, तो कितनी होगी 4। तो हम क्या लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे आफ्टर 4 डिजिट। देखो ये रिजल्ट आया था इसका, तो इसमें 4 डिजिट गिनेंगे पहले 1 2 3 4, तो कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, ठीक है, तो आंसर इसका क्या निकलेगा 298.2912, ठीक है। इसको भी हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया था कि इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, पहले क्या है 93216 मल्टीप्लाई 32। आप देखो 93.216 है, इसको सिंपली फॉर्म में कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 1 के साथ कितनी जीरो लगेगी 3, या डेसिमल पॉइंट दूसरे डेसिमल नंबर में कितनी डिजिट है 1, तो 32 डिवाइड बाय क्या आएगा 10। फिर अब सेम ही करना है, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 298.2912, और नीचे कितना 1000 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 10000, ठीक है, कि 1 के साथ 4 0। अब वही करना है कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है आफ्टर कितनी नंबर ऑफ डिजिट के बाद 4, क्योंकि यहाँ कितनी है 0 1 2 3 4, 4 0 है, तो 4 के बाद हमें क्या लगाना है डेसिमल पॉइंट। तो जो ये इसकी मल्टीप्लाई आई थी इसमें पहले हम 4 डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4, तो कहाँ आएगा यहाँ आएगा, ओके। अब देखो ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल है कि हम जितने एग्जाम्पल करेंगे हमारी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब क्या दे रखा है 19.62, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.6 से, तो पहले सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों डेसिमल नंबर की, ओके, तो करो 2 6 12 2 6 2 12 6 6 कितने होते 36 और 1 कैरी का कितना हो गया 7, यहाँ पे क्या आएगा अब 3 कैरी, तो 6 9 कितने होते हैं 54 और 3 ये 57, 5 यहाँ 6 1 6 और 5 कितना हो गया 11, ओके, वही क्रॉस लगाना है 2 2 4, 2 6 12, 2 9 18 और 1 कैरी 19, 2 1 2 और 3, ओके, तो 2 7 और 4 कितने हो गए 11, 7 1 कैरी का और 3 कितने हो गए 10, 9 और 1 10 और 1 11, 3 1 4 और 1 5, ठीक है। तो इसकी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या कर लिया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप में क्या था, अब हम गिनेंगे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट दोनों डेसिमल नंबर में, ओके। फर्स्ट डेसिमल नंबर में आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने नंबर ऑफ डिजिट है 2 6 और 2, सेकंड वाले में कितनी है 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3, तो हमें क्या करना है 3 डिजिट के बाद क्या लगानी है हमें डेसिमल नंबर। तो अब ये रिजल्ट आया था 51012, इसमें 3 डिजिट देखो 1 2 3, तो कहाँ आएगा 51.012 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, अब 19.62 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 19.62 डिवाइड बाय 100, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी इसलिए 1 के साथ 2 जीरो आई। ऐसे हम ध्यान रखें क्योंकि कई बार हम पजल हो जाते हैं कि इसके डिवाइड में 10 आएगा 100 आएगा 1000 आएगा, तो एक सिंपली तरीका, उससे हम पजल नहीं होंगे, हमें क्या ध्यान रखना है बस आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है तो 1 के साथ 2 जीरो आएंगे, 3 है तो 1 के साथ 3 जीरो आएंगे, ओके। अब देखो यहाँ 2
2.6 है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 26/10, क्योंकि यहाँ क्या है, एक डिजिट थी तो एक जीरो लगी वन के साथ। ओके, अब वही करना है, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 1962 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो कितना आएगा, 51012 डिवाइड बाय में 100 और 10 की करेंगे तो 1000 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो हम क्या देखेंगे कि तीन डिजिट के बाद हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। ओके, तो क्या आएगा, 51012 तीन डिजिट, पहले हम थ्री डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3, तो कहाँ प्लेस किया जाएगा डेसिमल पॉइंट, 51.012। ओके, अब देखो अगर जीरो जीरो लगी है आगे तो तब कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, पहले हम करेंगे इसकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन। देखो 0.004 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.9 से, तो पहले स्टेप क्या था, हमें भूल जाना है कि जो ये नंबर दे रखे इनमें कहीं डेसिमल नंबर भी है या नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे इनकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, अब देखो 94 की मल्टीप्लाई कितनी आई, 36, क्योंकि यहाँ जीरो था इसलिए यहाँ 3 आ गया, 900000। ओके, अब देखो जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है जीरो के साथ तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जीरो की 4 से की मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। ओके, लास्ट में क्या करना होता है, इनका एडिशन। ओके, 6 3 जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो जीरो ही आएगा। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना, सेकंड स्टेप में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो फर्स्ट वाली जो डेसिमल नंबर था उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 है, और सेकंड वाले में कितनी है, 1 है, ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 4 होगी, तो 4 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, जैसे क्या था 00036 था, ठीक है, तो इसमें हम 4 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो क्या आंसर आएगा, 0.0036, ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे तरीके से भी करेंगे हम इसको, 0.004 मल्टीप्लाई 0.9, तो पहले इसको सिंपली लिखेंगे। देखो आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, फर्स्ट वाले डेसिमल नंबर में 1 2 3, तो क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई 0.9 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9/10। ओके, अब देखो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 4 और 9 की मल्टीप्लाई 36, और 1000 और 10 की मल्टीप्लाई 10000। ओके, अब देखो यहाँ पे है 40, तो हमें क्या करना है कि 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। ओके, तो 4 डिजिट कैसे करेंगे, पहले हम हमारे पास तो 36 ही था, तो 4 डिजिट बनाने के लिए क्या लगाएंगे, 2 जीरो, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, और आगे जीरो, क्योंकि इन जीरो का जो ये नंबर है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हम इस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि डेसिमल पॉइंट के बाद और पहले अगर हम जीरो लगा रहे हैं तो उसका उस पूरे नंबर की वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये तो देखो हमने देखा था जैसे कि एक एक पॉइंट के बाद 2.6 ऐसे, ठीक है। अब अगर हम बड़ी मल्टीप्लीकेशन देखें, जैसे कि ये नंबर है 412 × 20, उसकी सॉरी 412.20 उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2.12 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो इसकी कैसे करेंगे, पहले हम इसकी सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 0 0 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 4 8 मल्टीप्लाई, या इसके नीचे क्या लगाएंगे हम, क्रॉस का साइन, ठीक है। अब इस वन की करेंगे हम ऊपर की सभी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 0 के साथ की 0, 1 की 2 के साथ की 2, 1 की 2 के साथ की 2 2, 1 की 1 के साथ 1, और 1 की 4 के साथ 4। देखो ये तो था हमने सीखा है, ये हम पीछे भी एग्जांपल में सीख चुके हैं कि दो डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करनी है। अगर नंबर 3 डिजिट का है, ठीक है, अब ये नंबर 3 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, दो जगह क्रॉस लगाएंगे। अगर नंबर 4 डिजिट का होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर लगेगी 4 जगह क्रॉस, ठीक है, तो दो। अब देखो 3 में है तो क्या हो गया, 3, 2 जगह क्या लगेगा, क्रॉस। अब देखो ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर की सभी डिजिट के साथ, 2 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4, 2 की 2 के साथ 4, 2 की 1 के साथ 2, 2 की 4 के साथ 8, ये कंप्लीट हो गया। अगर एक और डिजिट होती यहाँ तो हम नेक्स्ट स्टेप में 3 क्रॉस लगाते। ओके, अब क्या करना, लास्ट में इनका एडिशन, 0 का 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 4 2 6 और 6 2 8, 8 1 9, 9 और 4 कितने हो गए 13,
और 1 कैरी, 4 और 3 7 8। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने क्या किया है सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या था, हम जो दो डेसिमल नंबर दे रखे थे इनमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट वाले नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 2। सेकंड वाले में कितनी है, 2। तो टोटल कितनी होगी, 4 होगी ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे, 4 डिजिट के बाद क्या आएगा हमारा, 4 डिजिट के बाद आएगी हमारा डेसिमल नंबर। तो 4 क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा इसका, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 3 8 6 4 0, ठीक है। इसको भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया था। देखो क्या है, 4 1 2 20 सॉरी 2 0 और 2.12, ठीक है, ये दे दिया। तो पहले इसकी सिंपली फॉर्म लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो क्या आएगा, 100। इसके मल्टीप्लाई करनी है 2 1 2 के साथ, इसमें भी 2 है तो क्या आएगा, 100। ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 8640, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, इतना, ठीक है, कि 10,000। अब देखो इसकी डिवाइड में 10,000 आया, तो आफ्टर 4 डिजिट हमें क्या प्लेस करना है, डेसिमल पॉइंट। तो 873864 में 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 83 पॉइंट। देखो दोनों ही मेथड से, दोनों ही तरीकों से हमारा लास्ट में जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, जो तरीके से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।